हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सरकारी नौकरी जरा दे कृष्णा। नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। तो देखिए, 21 डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसी निकली है, 21 विभाग में आपकी वैकेंसी आई है। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखें। 8th, 10th, 12th ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन सबके लिए वैकेंसी आपकी। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें। 21 डिपार्टमेंट आपके वेरियस पोस्ट हैं, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए, एम्प्लॉयमेंट न्यूज है आपका 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट न्यूज। पहला डिपार्टमेंट जहाँ आपकी वैकेंसी निकली है, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में आपकी वैकेंसी निकली है। ये इलेक्ट्रिशियन फिल्टर इलेक्ट्रॉनिक्स वेल्डर, ये आपकी वैकेंसी निकली है। टोटल वैकेंसी आपकी ये है। देखिए, यदि आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। देखिए, इसमें आप फायरमैन की वैकेंसी निकली है आपकी, 18 से 25 साल आपकी एज लिमिट रहेगी, 21,700 आपकी सैलरी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो देखिए, फायरमैन के ड्राइवर की आपकी 12th साइंस विद केमिस्ट्री होनी चाहिए आपके पास, 50% मार्क्स प्लस वैलिड हैवी ड्राइविंग लाइसेंस, 1 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, प्लस सर्टिफिकेट कोर्स इन फायर फाइटिंग आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। चलिए बात करें अब सेकंड की। सेकंड डिपार्टमेंट कौन सा आपका, तो देखिए आपका सेकंड डिपार्टमेंट है जहाँ आपकी कार ड्राइवर स्टाफ कार ड्राइवर की वैकेंसी निकली है। देखिए, दिल्ली की वैकेंसी आपकी है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण में आपकी वैकेंसी है। देखिए, 3 पोस्ट आपकी टोटल, 28 से 27 साल आपकी एज लिमिट रहेगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो देखिए, आपके पास मोटर कार का लाइसेंस होना कंपलसरी है, नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिक्स की एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास 3 साल का, 10th पास। तो देखिए, आपको ये अपना ऑफलाइन फॉर्म फिल करना है और यहाँ पर सेंड करना है। 10 फरवरी तक आपको ये अपना ये फॉर्म है वो सेंड कर देना है। देखिए, देखते हैं थर्ड कहाँ आपकी वैकेंसी निकली है। थर्ड डिपार्टमेंट आपका ये है, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा दिल्ली, यहाँ पर भी आपकी वैकेंसी निकली है। योगा इंस्ट्रक्टर की 1, LDC की 1, आपकी जनरल की 1, SC की, लैब असिस्टेंट की 1 वैकेंसी, MTS की आपकी 10 वैकेंसी है, 4 जनरल, 3 OBC, 2 SC और 1 ST की। देखिए, 45 दिन के अंदर आपको अपना फॉर्म है वो अप्लीकेशन फॉर्म सेंड कर देना है। तो देखिए, इसके बाद आपके जानकी देवी मेमोरियल कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में वैकेंसी है असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो देखिए, इसमें कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, एनवायरमेंट स्टडीज़, हिंदी, हिस्ट्री, मैथ्स, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, सोशोलॉजी, ये आपकी वैकेंसी है। देखिए, इसके बाद आपकी वैकेंसी है UPSC में, एक वैकेंसी आपकी है, 2 वैकेंसी आपकी डाटा प्रोसेसिंग असिस्टेंट की, और 27 आपकी डिप्टी सेंट्रल इंटेलिजेंसी ऑफिसर की। तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, एक और वैकेंसी आपकी स्टाफ कार ड्राइवर की है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में। देखिए, इसमें आपकी 3 पोस्ट हैं, आप अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट आपकी 5 फरवरी रहेगी, ऑफलाइन फॉर्म रहेगा आपके। ज़्यादा जानकारी के लिए आप MCA.government.in पे जा सकते हो।
देखिए आपकी नॉर्थन सेंट्रल, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे में वैकेंसी निकली है, स्पोर्ट्स कोटा की वैकेंसी रहेगी आपकी, स्पोर्ट्स पर्सन है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए आपकी एक वैकेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स में, देखिए आपके यहाँ पर भी ड्राइवर की है, दो जनरल की, एक आपकी ओबीसी की, 18 से 27 साल आपकी एज लिमिट रहेगी। देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10th पास रहेगी आपको, वैलिड लाइट लाइसेंस या हैवी मोटर व्हीकल होना चाहिए आपके पास, एटलीस्ट 3 ईयर का आपके पास एक्सपीरियंस, देखिए दूसरी वैकेंसी आपकी पेंटर की है, इसमें 18 से 30 साल आपकी एज लिमिट रहेगी, 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए आपको, उसके बाद आपकी एक वैकेंसी है डिस्पैच राइडर की, जनरल की एक वैकेंसी आपकी, 18 से 30 साल आपकी एज लिमिट, 1/7/2019 को काउंट की जाएगी, 8th पास होना चाहिए आपके पास, लाइसेंस होना चाहिए वैलिड मोटर व्हीकल, 3 व्हीकल या लाइट मोटर व्हीकल का। देखा आपको ऑफलाइन फॉर्म अप्लाई करना है, तो ये देखें यहाँ पर आपको अपना नागपुर में ये वैकेंसी है, यहाँ पर अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सेंड करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट की वैकेंसी। देखिए कृषि एंड किसान कल्याण मंत्रालय में आपकी वैकेंसी है, ये आपका कैंसिलेशन नोटिस आया है, ये वैकेंसी आपकी कैंसिल कर दी गई है, जो कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ 18 से 14 दिसंबर में आया था। उसके बाद सबसे ज़्यादा वैकेंसी आपकी आई है दिल्ली पुलिस की, वायरलेस ऑपरेटर एंड टेली प्रिंटर ऑपरेटर की, फॉर्म आपके स्टार्ट हो चुके हैं, लास्ट डेट आपकी 27 जनवरी रहेगी। तो देखिए कौन अप्लाई कर सकता है, 12th में जिसके पास साइंस एंड मैथ है तो सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास एनटीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट की वैकेंसी आपकी। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर में आपकी एक और वैकेंसी है, ये वैकेंसी आपकी सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की है, तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन पे है आपकी। तो इसके बाद आपकी वैकेंसी है दिल्ली ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में, तो देखिए इसमें आपका CA चार्टर्ड अकाउंटेंट की कॉन्टैक्ट बेस पे एक पोस्ट है, आप अप्लाई कर सकते हो, ऑफलाइन बेस पर रहेगी है। इसके बाद आपकी वैकेंसी है इंडियन ऑयल पानीपत हरियाणा में, JEE की आपकी वैकेंसी रहेगी, आप अप्लाई कर सकते हो। देखिए रिटर्न एग्ज़ाम आपका 2 फरवरी को रहेगा, ऑनलाइन फॉर्म आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। तो देखिए आपका DSSB का एक नोटिस आया है, इस नोटिस को देखते क्या है नोटिस है ये। देखिए आपका जो स्किल्स Tier 2 है 45/12 डाटा एंट्री ऑपरेटर है, 40/15 ट्रांसलेटर पंजाबी का, 15 जनवरी के बाद ही आपका Tier 2 है स्किल टेस्ट, तो आपका नोटिस आ जाएगा इसका भी। इसके बाद देखिए आपकी वैकेंसी है ये CSIR, इसमें आपकी वैकेंसी निकली है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, लास्ट डेट आपकी है 31/12/2019, लास्ट डेट ऑफ रिसीव हार्ड कॉपी आपको सेंड करनी होगी 1/10 जनवरी तक। इसमें टेक्नीशियन, इसके बाद आपकी वैकेंसी है ड्राइवर की वैकेंसी, इसमें एक ओबीसी की, सॉरी 2 ओबीसी की, 30 साल की आपकी रहेगी एज लिमिट, LMV या HMV होना चाहिए आपके पास, एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का, 10th पास। तो देखिए एम्स नागपुर में आपकी वैकेंसी है प्रिंसिपल कॉलेज ऑफ नर्सिंग की आपकी, इसमें मास्टर डिग्री चाहिए आपको। इसके बाद आपकी देखिए नर्सिंग ऑफिसर स्टाफ नर्स ग्रेड सेकंड की, BSc ऑनर्स या नर्सिंग BSc नर्सिंग आपकी क्वालिफिकेशन चाहिए, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 100 रहेगी आपकी।
देखिए, इसके बाद आपकी एक और वैकेंसी है दिल्ली ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में, जहाँ आपकी वैकेंसी है सीनियर मैनेजर ऑफिस असिस्टेंट एजीएम वर्कर की, मैनेजमेंट मैनेजर वर्कर की। या आप अप्लाई कर सकते हो 18/1/2020 तक। तो देखिए, आपकी एक वैकेंसी है मेडिकल कॉलेज में निकली है असिस्टेंट वार्डन की, न्यू दिल्ली में। ये आप अप्लाई कर सकते हो। ऑफलाइन मोड पे रहेगा आपका, 60 दिन के अंदर अंदर आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म है वो सेंड कर देना है। देखिए, इसके बाद आपकी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में कार ड्राइवर की है, एक पोस्ट आपकी, आप अप्लाई कर सकते हो। न्यू दिल्ली में है आपकी ये। तो देखिए, इसके बाद वैकेंसी आपकी सिगोटी प्रिंटर प्रेस हैदराबाद में, इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं आप इसको। जूनियर टेक्नीशियन प्रिंटिंग फायरमैन की आपकी इसमें वैकेंसी है, 10th पास, हाइट चाहिए 5'5", 165 सेंटीमीटर आपको हाइट चाहिए, 79 से 84 आपकी चेस्ट, तो आप इसे भी अप्लाई कर सकते हो। 3 पोस्ट रहेगी आपकी जनरल कैंडिडेट्स की। तो देखिए, आप अप्लाई कर सकते हैं 1/1/2020 से 8/2/2020 तक। एग्ज़ाम आपका मार्च से अप्रैल रहेगा। इसके बाद वैकेंसी आपकी सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की, प्राइवेट सेक्रेटरी की 7 वैकेंसी आपकी पोस्टिंग रहेगी आपकी, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद में। तो इसको भी आप अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट आपकी 16/1/2020 है। तो देखिए, इस प्रकार आपकी 21 डिपार्टमेंट की वैकेंसी निकली है, आप अप्लाई कर सकते हो। एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तो चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।